अच्छा मिकाय मुझे एक बात बताओ ना, हमें बताओ स्कूल जो है वो जाना ज्यादा अच्छा था या ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है कंप्यूटर पे? ऑनलाइन। वो ईदी जो है आइडिया बताओ मम्मा से ईदी कैसे निकलवाओगे? चलो आइडिया बताओ आपको। चलो यहाँ जाओ और खड़े होके कैमरे में देख के बताना है। आइडिया कोई बताओ आपको कि मम्मा से ईदी कैसे निकलवानी है? मुझे पता है कैसे निकलवाओगे बताओ। मुझे पता है ना, नहीं कैसे निकलवाओगे मम्मा से पैसे? मम्मा ने सारे पैसे जो तुमसे छीन के सब, मम्मा ने ले लिए आपसे पैसे आपकी ईदी के। अब क्या करोगे? रख देंगी तो ले लोगे? इतनी शरीफ नहीं होते अम्मा अब्बा कि वो ऐसे रख दे ले लो बेटा। ये इनको तो खैर मेरा था कि इरादा हथिया लूं, लेकिन नहीं पॉसिबल है, गिफ्ट आने होते। बेटा मेरा 8 साल के, वो क्या कर रहे हैं? वो मैसेज भेज रहा है, ईदी ला के मेरे पर्स में रखवा रहे हैं, मामा ने ईदी दी, और अपने भाई के मोबाइल से मुझे मैसेज भेज रहा है, अंकल बाबा मामू गेव मी 1000 रुपीज, बड़े मम्मा गेव मी 2000 रुपीज, वो मैसेजेस आए जा रहे हैं मेरे पास ना, और आखिर में आके ये डिलीट मत कीजिएगा, ये मेरी पूरी कैलकुलेशन है ताकि आप भूल ना जाए। बिल्कुल सही है, पेपर वर्क बहुत जरूरी होता है हर चीज के लिए। नहीं हम लोग है ना, मतलब 3 बच्चे मेरे हैं, तो एक दो को ले गए एक को छोड़ गए, वो लड़ रही है मुझसे। हाँ। हमें क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं लेके गए? मैं तो बहुत शौक था घर में रहने का, नहीं ईदी मिल गई इनको मुझसे 3000 ज्यादा हो गए इनके, मतलब कि ये हाँ। ये भी चीज चल रही है, बच्चे ईद में बड़े एक्साइटेड। अच्छा हम तो जब छोटे थे तो हम क्या करते थे, बेल बजाते थे अपार्टमेंट्स में रहते थे, जिससे कभी मिले भी नहीं है। भाजी पड़ोस में मैं शीर खुरमा का प्याला लेके जाती थी, पूरे मोहल्ले में बांटे, किसी को नहीं भी जानती। हम लोग शुरू में सऊदी में थे, वो सारे सऊदी उनको शीर खुरमा का अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, तो मैं रियाल जमा करती थी ना, बड़ी रियाल वाली। हमारे गली के कॉर्नर पे एक आंटी रहती थी, क्या साल में एक ही दफा जाती थी वो ईद में, और बिलीव मी अब वो कोने, इसीलिए मैंने बोला कोने वाली, क्योंकि कोने में 3-4 घर थे, उनके घर का शीर खुरमा मुझसे निकला नहीं जाता था, लेकिन जाती थी मैं अपनी कजन के साथ, शीर खुरमा रखती थी खाती थी, और फिर ईदी का लिफाफा लेके, मतलब वो ईदी के लिफाफे के लिए वो शीर खुरमा हजम करके आती थी। वैसे खैर हम लोगों के दौर में तो अम्मी ले लेती थी ईदी हम लोगों से और देती नहीं थी हमें, लेकिन जब मैंने तो पहली ईद से ये किया है कि वो जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो लेके रख लेती हूँ, तो वो हर साल ईद पे वो डबल ट्रिपल होते जा रहे थे, इस साल के भी पैसे रखे हुए। बॉन्ड्स डबल ट्रिपल कैसे होते जा रहे? पिछले साल का फिर उसमें ऐड हो गए, नेक्स्ट ईयर का, उसके बाद नेक्स्ट ईयर के, हाँ शायद निकले हैं 2-3 दफा 7500 रुपए वाले खुले थे, तो वो मैंने रखे हुए कि जब ये बड़ी हो जाएंगी तब दे दूंगी। एक दो मैंने 40,000 वाले इनके लिए हुए थे, बल्कि 6 या 7 लिए हुए थे, वो फिर अभी मैंने पिछले दिनों, क्योंकि वो बंद हो गए थे तो वो मैंने चेंज करवा लिए थे, वरना मैंने रख दिए कि जब ये बड़ी हो जाएंगी तो उनको दूंगी। ये लोग समझ है बॉन्ड क्या होते हैं? नहीं इनको तो पता भी नहीं है अभी कि ये क्या है, लेकिन मैंने आयशा की पैदाइश में वो जो सलामी होती है, आई थिंक सो सलामी, फिर उसके बाद एवरी इवेंट जो आयशा का हुआ, जिसमें आयशा की बिस्मिल्लाह, आयशा की बर्थडे, कैश जितना भी आता है वो सबका सब मैं उठा के इनके लिए ले लेती हूँ, ताकि इनका पैसा ये सूखोर पठान ना बने बड़े हो गए, मम्मा मेरा तो सब खा गई तो उनको दे दूँ बेटा ये 1-1 रुपया। माया ने वो परिहान का लॉकेट, परिहान के नेम का वो बनवा। अच्छा मैं भी वो करती हूँ, वो नहीं आते बिस्किट आते हैं, एक तोला और इस तरह के मैं वो लेके रख लेती हूँ, काम आएंगे जब बड़े होंगे तो मुझे घुमा लेंगी कि अम्मा हमारे लिए सोना रख के गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू एयरवायर डिजिटल्स YouTube चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू ऑल द न्यूज़ एंड अपडेट्स।